सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा कि एजुकेशनल्स के जितने भी एडमिशन्स थे प्रोफेशनल कोर्सेज के, लगभग सभी के सभी स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए। अगर आपने अभी तक इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं की है तो आपको हमारे हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर सर्च करके जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करने हैं और साथ ही शेड्यूल कैसा रहेगा इसकी पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपने mahaCET.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर देखा होगा तो यहाँ पर कई सारे कोर्सेस है जिसके बारे में शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है, टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि MBA हुआ, MCA हुआ, ME, MTech का हुआ, BE, BTech का, BE फार्मेसी का हुआ, BE आर्किटेक्चर का हुआ, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग, डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी, LLB, ETC, सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशंस लगभग स्टार्ट हो चुके हैं। आज का जो वीडियो है वह स्पेशली बनाया गया है बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर एडमिशंस के लिए। BE फार्मेसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021 टाइम टेबल रिलीज कर दिया गया है। इसका शेड्यूल किस प्रकार से है आइए आपको वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आपको एक और बात बता दें, आपको hindimeinpadhe.com वेबसाइट पर आकर सारे के सारे कोर्सेज के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ से आप वन बाय वन कोर्सेज की जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही में भी फार्मेसी के लिए कोर्स की डिटेल्स, सिलेबस डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशंस के लिए भी फार्मेसी ऑनलाइन एडमिशंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्या लगते हैं, कौन से लगते हैं, बी फार्मेसी एडमिशंस का नोटिफिकेशन 2021-22 कैसा है, बी फार्मेसी कोर्स के लिए फीस आपको कैसे पेड करनी है, कितनी रहेगी और बी फार्मेसी के फायदे और नुकसान क्या है, इस पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको फार्मेसी जॉब्स कौन से मिल सकते हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहेंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पर शेड्यूल की तरफ ले जाना चाहेंगे। यह दोनों के दोनों जो लिंक है, ऑनलाइन एडमिशंस कैसे करते हैं और जो पिछले सारे हमने आपको जो डिटेल्स बताई है, यह दोनों के दोनों लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बी फार्मेसी यानी कि फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट टेक्निकल कोर्स इन बी फार्मेसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट फार्मडी एडमिशन 2021-22 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 12 नवंबर 2021 से 21 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक। ध्यान रहे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बी फार्मेसी कोर्सेज 2021 के लिए आपको mahaCET.org ऑफिशियल वेब पोर्टल पर करना है। इसकी लिंक भी डायरेक्ट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना आवश्यक है। जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना है और आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में एक एक जेरोक्स कॉपी आपको FC पर लेकर जाना है या फिर ऑनलाइन आपको ई स्क्रूटनी के जरिए कंफर्मेशन करना है। यह कंफर्मेशन आपको 12 नवंबर 2021 से 22 नवंबर 2021 तक करना है। इसके बाद में आपका जो कमिसमेंट होगा वह 6 दिसंबर 2021 को लास्ट में होगा। यदि आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स में जाकर यह जान सकते हैं या फिर इस लिंक से भी आपको डेट्स की पूरी जानकारी हो जाएगी। आपको कब यह फॉर्म भरने होंगे इसकी जानकारी यहाँ पर पोस्ट में दे दी गई है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी फार्मेसी 2021 की डिस्प्ले होंगी 24 नवंबर 2021 को और आपको ग्रीवेंस सबमिट करना है 25 नवंबर 2021 से 27 नवंबर 2021 तक। फाइनल मेरिट लिस्ट जो रिलीज होने जा रही है साथ में प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स बी फार्मेसी का फर्स्ट ईयर में रिलीज करने जा रहे हैं 28 नवंबर 2021 को। बी फार्मेसी ऑनलाइन सबमिशन और कंफर्मेशन करना है ऑप्शन फॉर्म का कैप राउंड फर्स्ट के लिए 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक। बी फार्मेसी प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स कैप राउंड फर्स्ट के लिए रिलीज होगा 3 दिसंबर 2021 को। आपको अगर सीट मिल चुकी है तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना है अपने लॉगिन के जरिए अलॉटमेंट कैप राउंड फर्स्ट बी फार्मेसी के लिए 4 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2021 तक। ध्यान रहे, यदि आपने सीट कंफर्म कर लिया है तो आपको अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में जाकर रिपोर्टिंग भी करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। आपको कंफर्मेशन भी करना है 6 दिसंबर 2021 तक, यह लास्ट डेट रहेगी। प्रोविजनल वैकेंट सीट्स कैप राउंड सेकंड बी फार्मेसी के लिए रिलीज किए जाएंगे 7 दिसंबर 2021 को। कैप राउंड
सेकंड वी फार्मेसी का शुरू होने वाला है 8 दिसंबर 2021 से 10 दिसंबर 2021 तक। ऑनलाइन आपको ऑप्शन फॉर्म वी फार्मेसी के भरने हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट बैचलर ऑफ फार्मेसी कैप राउंड सेकंड के लिए 12 दिसंबर 2021 को आपको यह देखना होगा। अगर आपको सीट मिल चुकी है, अलॉट हो चुकी है सीट आपको वी फार्मेसी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म सेकंड के लिए, तो आपको आपकी सीट को एक्सेप्ट करना होगा 13 दिसंबर से 15 दिसंबर 21 तक। साथ ही में यदि आपको कैप राउंड सेकंड में भी फार्मेसी के लिए सीट अलॉट होती है तो अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस में जाकर आपको रिपोर्टिंग करना होगा और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में। अब लास्ट में जो राउंड होगा वह गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडेड और अन एडेड इंस्टीट्यूट्स के लिए होने वाला है, जो कि यदि दोनों राउंड के बाद भी वैकेंट सीट्स बचती है बी फार्मेसी कोर्सेज के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज के लिए, तो 16 दिसंबर 21 से 23 दिसंबर 21 तक आपको यह ऑप्शन फॉर्म भरने होंगे। लेकिन यह आपको इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर यानी कि आपको यह ऑफलाइन भरने पड़ेंगे कॉलेज में जाकर। इसकी मेरिट लिस्ट भी कॉलेज की तरफ से ही उनकी इंस्टीट्यूशंस की नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले किए जाएंगे। यहाँ से आपको अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में सीट मिली या नहीं इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से सभी जो भी फार्मेसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशंस है रिलीज़ किया गया है। इसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी एडमिशंस के लिए जो हेल्पलाइन दी गई है, यहाँ पर हेल्पलाइन भी है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे यह कॉन्टैक्ट करने की समय सीमा 8 से 8 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। अब यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएगी। एडमिशन प्रक्रिया की सारी जानकारी यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, यहाँ से आपको सभी जानकारी लेनी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी प्रॉब्लम सता रही है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी कोर्सेज के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2021 की। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सभी प्रकार के ऑनलाइन एडमिशंस रिजल्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर्म और एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पर आते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।